तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिर और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी से पूछ रही होती है कि बेटा बता मुझे कौन है वो लड़की जिससे तू प्यार करती है। बट जो ईशानी होती है उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही होती अपनी मम्मी को बताने की। अब आगे जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी को बोलती है, बेटा मैं तुझे बोल रही हूँ ना, बता वो कौन है लड़की। जो ईशानी होती है बोलती है, मम्मी वो लड़की ना, उसकी जो मम्मी होती है उसके ऊपर शाउट करती है, बोलती बोलती बताना अभी तूने नाम ले ले, कौन है वो लड़की बोल मुझे। जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत ज़्यादा डर के घबराई होती है बहुत ज़्यादा। फिर वो बोलती है, मम्मी वो लड़की का नाम है। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है, वो लड़की वो मैं तू क्या करी बोल मुझे वो कौन है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बहुत मिलजुल से बोलती है कि मम्मी उस लड़की का नाम है प्रीता। जैसे ही हमारी ईशानी की मम्मी प्रीता का नाम सुनती है वो बोलती है, क्या बकवास कर रही है तू। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, मम्मी मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सही बोल रही हूँ मम्मी। फिर उसकी जो मम्मी वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो इस तरह की नहीं हो सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है, नहीं नहीं मुझे नहीं है यकीन तुम पे। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, और वो भी मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है मम्मी। फिर उसकी जो मम्मी हो उनको भी बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलती क्या था भी मैं सोचूं वो लड़की तुम्हें इस तरह और तुम्हारे पीछे क्यों आ रही है, मैं पहले क्यों नहीं समझी। फिर जो ईशानी होती है बोलती है, मम्मी प्लीज़ आप तो ऐसा मत बोलो ना मम्मी, मैं सच में उनके बिना नहीं रह पाऊंगी मम्मी प्लीज़। उसकी जो मम्मी है वो बोलती है, बस कर दे तू मुझे कुछ नहीं सुनना है। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो बेड पर बैठ जाती है अपना सर पकड़ के, और जो ईशानी होती है वो तो बस अपनी मम्मी को ही देख रही होती है, और वो मन में बोलती है, मुझे ये क्या मैंने सही किया, मम्मी पापा को बता के पता नहीं मम्मी पापा क्या फैसला लेंगे, भगवान जी प्लीज़ मेरी मम्मी पापा मान जाए भगवान जी प्लीज़। वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रे कर रही होती है, और मन में उसकी जो मम्मी होती है वो ऐसे ही सोच रही होती हैं, वो बोलती हैं मन में कि मेरी बेटी वो भी लड़की में इंटरेस्ट राइट, ये कैसे हो सकता है भगवान जी, किस तरह का रिश्ता है मेरी बेटी, नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा बोल के वो फिर से ईशानी की तरफ देखती है गुस्से से, और कड़ी हो जाती है और बोलती है, बेटा तू कुछ से और लड़के को पसंद कर, जिस लड़के को तू बोलेगी हम उसी से तेरी शादी कर देंगे बेटा। बट लड़की से कैसे, दुनिया लोग समाज हमारे खानदान वाले क्या बोलेंगे बेटा, तुमने इस बारे में एक बार भी क्यों नहीं सोचा है बोल मुझे। जो हमारी ईशानी है वो अपनी नज़र जो कहते हैं बोलती है, मम्मी प्यार तो प्यार होता है, वो लड़के से हो या लड़की से हो मम्मी प्यार तो प्यार होते हैं, मुझे खुद पता नहीं चला कि मुझे कब उनसे प्यार हो गया मम्मी प्लीज़ 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 मम्मी मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ मम्मी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मम्मी, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी मम्मी प्लीज़ मम्मी आप ही हमारे प्यार को समझने की कोशिश करो मम्मी, मैं उनके साथ लाइफ टाइम तक खुश रहूँगी मम्मी। और आपको पता है ना उन्होंने उस ऑफिस को कितना नाम दिया, उन्होंने कितनी मेहनत की मम्मी आप देखो पता है मम्मी, और आज मैं उन जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी मैं उनको खोल किया, खोल करके मैं उनको बताया, उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी मम्मी, मैं हिम्मत हार गई थी मम्मी, उन्होंने मुझे बोला पुलिस स्टेशन में जाओ, उन्होंने ना सब कुछ ये सब कुछ के पीछे उन्हीं का हाथ है मम्मी प्लीज़, वो बहुत अच्छी है मम्मी, मैं उसके साथ लाइफ टाइम तक हैप्पी रहूँगी मम्मी प्लीज़। अगर आप लोग समाज को दुनिया को देखोगे तो मम्मी मम्मी प्लीज़ ना मम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती मम्मी प्लीज़। हमारी जो ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मम्मी के आगे गिर गिरा रही होती है, और उसकी जो मम्मी होती है वो ऐसे ही सोच में पड़ जाती है, वो ईशानी की तरफ देखती है और बोलती है, बेटा मैं क्या करूँ, मैं मान जाऊँगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ मैं समझ सकती हूँ, बट बेटा तेरे पापा को कौन समझाएगा,
मुझे नहीं पता है, बस मुझे नहीं पता है। तू जैसा बोलेगी मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तू मेरी इकलौती बेटी है। बट तेरे पापा का फैसला जो होगा वही फैसला मेरा होगा। जैसे ही शान ये पास होती है वो बोलती है, मम्मा मम्मी प्लीज़ प्लीज़ आप पापा को मनाओ ना मम्मी प्लीज़, मम्मी आप इस वक्त कोई नहीं मना सकता मम्मी प्लीज़ मम्मी, अगर मैं वो मेरी लाइफ में नहीं, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी मम्मी, मैं सच बोल रही हूँ आपकी कसम। जैसे ही हमारी शान ये बात बोलती है तो उसकी मम्मी एकदम उसको देखती और थप्पड़ लगा देती, बोलती बकवास बंद कर तू, बहुत हो गया तेरा, मैं तुझे कुछ बोल नहीं रही और तू ये कर, मैं तो खुद तुझे मार डालूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ किया। जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी की वाली बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और जो ईशानी होती है वो ऐसे ही बेड पर बैठ के रोने लग जाती है, बोलती है मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी मैं क्या करूँ मम्मी मम्मी प्लीज आप पापा को मनाओ ना। यहाँ पर तो ये सीन चल रहा होता है, और दूसरी तरफ जो ईशानी के पापा होते हैं वो वहीं पे घूम रहे होते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक से दो दो तीन कपल देख रहे होते हैं वहीं पे, ये सब कुछ हरकत करते हुए वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये सब कुछ नहीं हो सकता है, ये लोग पागल हो गए, नहीं हो सकता है ये। फिर वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं, उनके साथ में एक अंकल बैठे होते हैं, वो हमारी शानी के जो पापा होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से। वो जो एक लड़का होते हैं वो ईशानी के पापा के पास आता है और आके उनके साथ बैठ जाता है, उनके कंधे पे हाथ जैसे ही रखते हैं तो ईशानी के जो पापा होते हैं उस देखते हैं तो एक लड़का है। ईशानी के पापा पहले उस लड़के को देखते हैं फिर अपने हाथ को देखते हैं, फिर वो जो लड़का होते हैं वो ईशानी के पापा के कंधे से हाथ हटाते हैं, बोलते हैं क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो ईशानी के पापा होते वो ऐसे ही फिर से सोच रहे होते, बहुत टेंशन में होते। फिर वो जो लड़का होता है वो थोड़ा एजेड होता है, वो फिर से पूछता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो क्या, मैं तुम्हारा शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। फिर जो ईशानी के पापा होते वो उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो जो लड़का होते है बोलते हैं क्या परेशानी है बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं क्या यहाँ पे लेस्बियन कपल पाए जाते हैं क्या, क्या लड़की लड़की की शादी हो सकती है क्या। जैसे ही वो बूढ़ा इंसान ये सुनता है तो वो स्माइल करने लग जाते हैं, बोलते हैं तुम इतने यंग और इतनी पुरानी तुम्हारी सोच कैसे हो सकती है। फिर वो जो ईशानी के पापा होते बोलते क्या बोला, पुरानी सोच नहीं है मैं सही बोल रहा हूँ, ये ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है आजकल ये सब कुछ होता है और यहाँ पे तो ये लीगल है, यहाँ पे काफ़ी कपल हैं, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे दूसरा मतलब लड़की वो लड़की लड़की का और लड़के लड़की का ज़्यादा यहाँ पे कपल है, वो लोग ज़्यादा मतलब मेरिड कपल पाए जाते हैं और आजकल, और तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो, ये सब कुछ होता है, बस क्या करें, बच्चों के सामने तो सर झुकाना ही पड़ता है, जिसमें उनकी खुशी होती है तो उसमें हमारी खुशी भी होती है। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, बोलते नहीं 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 ये सब कुछ नहीं होता है यार, नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। फिर जो वो बूढ़ा इंसान होते हैं बोलते हैं लोग एक मरतबा बातें करते हैं दो मरतबा करते हैं, बट ऐसे होते हैं यहाँ पे पता है कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये मतलब ऐसे ही दो गर्ल्स थी तो उनके पेरेंट्स ने उन दोनों को इलाहदा कर दिया और उन दोनों ने ही अपनी नर्व्स काट के दोनों ने अपना मर्डर कर दिया, वो दोनों मर गई। बाद में उनके मम्मी पापा को एहसास हुआ तो कोई बात नहीं, प्यार तो प्यार होता है, वो चाहे लड़की से हो के लड़के से हो, कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे के लिए खुद को मार डालती हैं। और हाँ तुम अपनी सोच को बदलो और ये सब कुछ होता है, हम तो हमारी उसी चीज़ में खुशी होती है जिस चीज़ में हमारे बच्चे खुश होंगे, हमें वो चीज़ सोचनी है, हमें समाज कुछ नहीं देखना है, लोग एक दिन बातें करते दूसरे दिन करते उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसा बोल के वो जो बुरा इंसान होते वो वहाँ से चला जाते, और जो जाने के पापा होते वो तो अभी तक कन्फ्यूज, वो ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी बेटी
पागल हो गई, भगवान मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं और उनको उसी लड़के की बातें याद आ रही होती हैं। वो फिर बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती है। फिर एक टाइम पे वो बोलते हैं क्या करूँ, मुझे जाके जाने की मम्मी से बात करनी पड़ेगी, वैसे वो लड़की है कौन पहले मुझे वो तो पता चले लड़की है कौन। ऐसा बोल के जो ईशानी के पापा होते हैं वो उठते हैं और चले जाते हैं हॉस्टल की तरफ। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो तो बस अपने ऑफिस में ही बैठी होती है। वो बहुत परेशान होती है, उसको हमारी ईशानी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है। उसने काफ़ी कॉल करने के बाद भी ईशानी ने उसकी कॉल नहीं उठाई होती है। वो बोलती है भगवान जी प्लीज़ मेरी जान को कुछ मत होने देना, मैं क्या करूँ मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकती हूँ, मैं कैसे जाऊँ। वो ऐसे ही बैठ के सोच रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जो ऑफिस में बॉस बैठी होती है उसको देख रही होती है। और फिर जब बॉस बर्दाश्त नहीं होता है तो बॉस खुद कैमरे से बाहर निकलती है और चली जाती है हमारी पीठा के पास। पीठा के पास जाती है, जाके उसके पास खड़ी हो जाती है, बोलती है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो मैम होती है बोलती है बताओ कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं क्या तो पता तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। फिर जो ईशान प्रीता होती है वो मैम की तरफ देखती है, बोलती है मैम वो क्या मुझे US जाना था 1 वीक के लिए। जैसे ही बहुत सी बात सुनती है तो वो बोलती है क्यों तुम्हें क्यों जाना है। फिर जो प्रीता होती है बोलती है बॉस वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है सो इस वजह से मुझे जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। फिर जो बॉस होती है बोलती है बट क्यों क्या वजह है बताओ ना मुझे। फिर जो प्रीता होती है बोलती है सॉरी बॉस मैं नहीं बता सकती बहुत पर्सनल है और जब मुझे मिलेगा मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फिर जो बॉस होती है बोलती है US तुम्हारा पासपोर्ट कुछ ऐसा कुछ है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ना में सर हिलाते हुए बोलती है नो बॉस मेरे पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ है। फिर जो बॉस होती है बोलती है कि तुम 1 वीक बल्कि 2 वीक तक वेट करो हो जाएगा, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर दूंगी। फिर जो प्रीता होती है बोलती है नो बॉस मुझे आज ही जाना था। फिर जो बॉस होती है बोलती है सॉरी आज तो पॉसिबल नहीं है और एक दिन में नहीं जा सकते हैं, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ मैं चली जाऊँगी, मेरे पास तो पासपोर्ट सब कुछ है मैं खुद सॉल्व कर आऊँगी। फिर जो प्रीता होती है बोलती है नो बॉस थैंक यू सो मच। ऐसा बोल के जो बॉस होते हैं वो वहीं पे खड़ी रहती है और जो हमारी ईशान प्रीता होती है वो तो अपनी जगह पर बैठ जाती है और ऐसे ही काम करने लग जाती है। प्रीता मन में बोलती है भगवान पहले से अगर मैं पासपोर्ट बना लेती ना तो मैं चली जाती, क्या करूँ भगवान जी प्लीज़ आप मेरी जान की रक्षा करना। ये यहाँ पे ऐसे ही टेंशन ले रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो पहुँच जाते हैं हॉस्टल में जाते हैं और जो ईशानी होती है वो अपने बेड पे बैठी होती है और जो उसकी मम्मी है वो साथ वाले बेड पर बैठी होती है। दोनों ऐसे ही सर नीचे के होते हैं। जो ईशानी के पापा होते हैं वो रूम में जाते हैं, दस्तक दे के अंदर जाते हैं। ईशानी जैसे ही दरवाजे का आवाज़ सुनती है वो और उसकी मम्मी दरवाजे की तरफ देखती हैं तो देखती हैं उनके पापा होते हैं। ईशानी एकदम से डर के खड़ी हो जाती है और जो ईशानी की मम्मी होती है वो भी खड़ी हो जाती है। और जो ईशानी के पापा है वो पहले अपनी वाइफ की तरफ देखती है फिर अपनी बेटी की तरफ देखती है। उनको हमारी ईशानी पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो फिर अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं थोड़ा मेरे पास आओ मुझे तुमसे काम है और तुमसे एक बात करनी है, वो बहुत गुस्से में बोलते हैं। और फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती ठीक है। ऐसे बोल के जो ईशानी के पापा होते हैं वो ईशानी की मम्मी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं अपनी बेटी को बोलो कुछ देर के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दे। फिर जो ईशानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है, बोलती है पापा हम ठीक है मैं जा रही हूँ आप मम्मी को मत बोले। ऐसे बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो वहाँ से चली जाती है, वो बाहर जाती है। और कुछ जो पापा होते हैं वो रूम को लॉक कर लेते हैं, अंदर आते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं तुम 2 मिनट बैठो मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो वॉशरूम में चले जाते हैं और जो ईशानी की मम्मी होती है वो बेड पर बैठी होती है, वो बोलते हैं
पता नहीं ये क्या बात करेंगे, मुझे तो टेंशन हो रही है, भगवान प्लीज़ पता नहीं क्या होगा। उसकी जो मम्मी होती है ईशानी को ये सोच रही हो, तो जो ईशानी होती है वो बाहर खड़ी होती है और वो बोलती है भगवान जी पता नहीं पापा कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट बात करने थे कि मुझे बाहर आने के लिए बोले, पता नहीं क्या बोलेंगे पता नहीं क्या फैसला करेंगे, भगवान जी प्लीज़ 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 पापा मान जाए भगवान जी प्लीज़ प्लीज़। वो ऐसे ही खड़ी होकर बाहर प्रे कर रही होती है और वहाँ पे जो हॉस्टल की लड़कियाँ होती है वो सारी हमारी ईशानी को देख रही होती है। उनमें से एक लड़की होती है वो आती है ईशानी के पास, आके खड़ी हो जाती है और उसको बोलती है हेलो एक्सक्यूज मी, क्या क्या हो गया, आप इतनी ज़्यादा परेशान लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर जो ईशानी है उसकी तरफ देखती है और बोलती है नो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे जितने लोग भी होते हैं वो सारे हमारी ईशानी को ही देख रहे होते हैं। और जो ईशानी होती है वो बहुत परेशान होती है, वो तो बस अंदर क्या चल रहा होगा रूम में वो तो बस वही सोच रही होती है। और ऐसे ही जो ईशानी के पापा होते हैं वो फ्रेश अप होके आ जाते हैं बाहर, बाहर जैसे ही आते ही जाने की मम्मी खड़ी हो जाती है और अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है क्या हो गया, आपने क्या बात करनी थी बताएं ना मुझे। जो ईशानी के पापा होते बोलते रिलैक्स हो जाओ, कर रहा हूँ मैं बात, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। फिर जो ईशानी की मम्मी होती वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती हुई बोलती हैं क्या क्या करना है, क्या हुआ है। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं बोलते हैं क्या क्या नहीं करने, तेरी बेटी मैं क्या करूँ, देखो ना इसने कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं समझ आ रही यार, ये क्या हो गया, मुझे मुझे लगता है हमें अपनी बेटी का पहले ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या पता ट्रीटमेंट से सही हो जाए। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती क्या ट्रीटमेंट, प्यार तो प्यार होता है ना, अभी क्या करें, आज तक हर जिद पूरी की है बट क्या करें, आप जो फैसला करेंगे तो मुझे तो वही मंजूर होगा। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और बेड पर बैठ जाते हैं, अपना सर पकड़ कर बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है यार मैं क्या करूँ, इस बेटे ने ये कैसी है यार, मैं समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे यार, मुझे इस बात की टेंशन हो रही है यार, देखो ना मेरी बेटी, मुझे लगता है मुझे अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड के पास आती है, उनका हाथ थामते हुए बोलते हैं क्या करे समाज लोग, अभी हम कुछ भी, अगर हम जितना भी पाक हो जाए ना तो लोग फिर भी यही बोलेंगे कि ये देखिए इस तरह चल रहा है, हमें लोगों को नहीं हमें अपनी बेटी को देखना चाहिए, क्या करने आपका फैसला मेरा फैसला है। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहे मैं क्या करूँ यार मैं क्या करूं। फिर जो ईशानी की मम्मी होते हैं बोलती हैं मैं हमारी इकलौती बच्ची है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को कुछ हो, अगर वो इतना उसने पता है क्या बोला, उसने बोला अगर वो मुझे नहीं मिलेगी वो मैं कुछ कर लूँगी। जैसे ईशानी के पापा ये बात सुनते वो अपनी वाइफ की तरफ घूर के देखते बोलते क्या नहीं मैम नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती हैं वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही बोलते हैं कि इतना हाई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी बेटी के अलावा कोई नहीं चाहिए, अब जिसमें उसकी खुशी है हमें भी उसकी खुशी को अपना अपना अपनाना पड़ेगा। तो जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है यार मैं क्या, मेरा मेरी आत्मा इस चीज़ को नहीं मान रही है, मैं किस तरह एक्सेप्ट करूँ मुझे नहीं समझ आ रही है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है अब क्या करें आप बताएं। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं मुझे नहीं समझ आ रही है, बस जो फैसला तुम करो वही ठीक है, बट मैं अगर मैं मुझे नहीं समझ आ रही है ईशानी की मम्मी प्लीज़ मुझे कुछ टाइम चाहिए यार। फिर जो ऐसा बोलते फिर बोलते वैसे वो लड़की है कौन, मुझे उसके बारे में तुमने बताया नहीं। जैसे ईशानी के पापा ये बात बोलते हैं ईशानी की मम्मी को तो वो ईशानी की मम्मी बोलती हैं
उस लड़की को आप ही जानते हैं, वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर हमारे बच्चे चाहते हैं तो हमें घर देना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों की खुशी देखनी है। हमें समाज, लोग, ये सब कुछ क्या बोलेंगे हमें नहीं पता है। और हमारी भी तो लव मैरिज थी, जैसा कि आपको पता ही है। तो जहाँ तक मेरा कहना है, प्यार प्यार होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने हम दोनों को जुदा नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ हमें अपनी बेटी को अब उसके प्यार से जुदा होने दें। मैं तो यही चाहती हूँ, कुछ नहीं होता है बस। वो फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते हैं, वो लड़की है कौन, मुझे पहले ये तो बताओ ना। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ हाँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ, उस लड़की को आप ही जानते हैं, वो लड़की बहुत अच्छी है, आपको पता है। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते कौन है बताओ तो सही ना मुझे। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती हैं, वो प्रीता से प्यार करती है। जैसे ही हमारी ईशानी के पापा सुनते बोलते क्या प्रीता से, नो वो इस तरह की नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती बोलते ऐसा नहीं ऐसा है, उसी की वजह से हमारी बेटी ने टॉप किया है, और उसी की वजह से यहाँ पे भी देखो ना हमारी बेटी की, हमारा कितना नाम है हर जगह, हर टीवी न्यूज़ में बस हमारी बेटी और हम दोनों को ही दिखा रहे हैं। मुझे सब लोग ये बोल रहे हैं कि ईशानी आपकी बेटी है, आपकी बेटी ने यहाँ पे भी आपके इतना अच्छा काम किया है। जहाँ तक मैं बोलती हूँ, हमें हमारी बेटी ने, मानती हूँ हमारा कोई बेटा नहीं है, बट देख लो हमारी बेटी ने ही हमारा नाम रोशन कर दिया, आपका नाम रोशन कर दिए। हमारी बेटी ने इतना कुछ किए, हम भी अपनी बेटी के लिए करेंगे। फिर जो ईशानी के पापा होते वो बोलते ठीक है तुम्हें जो सही लगे तुम करो, मुझे नहीं पता है, बट मुझे कुछ टाइम चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए। मैं समझता हूँ प्यार प्यार है, बट जो तुमने करना है तुम करो, मुझे नहीं पता है। ऐसा बोल के जो ईशानी के पापा होते वो बोलते हैं, मेरी बेटी को बुलाओ ना, मुझे अपनी बेटी से बात करना है। फिर जो ईशानी की मम्मी होते वो बोलते हैं, हाँ ठीक है, बट आपको अपनी बेटी का प्यार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो भी दिल से। फिर जो ईशानी के पापा होते बोलते हैं, ठीक है मेरी बेटी को बुला के लेके आओ ना, मुझे उससे बात करनी है। फिर जो ईशानी की मम्मी होती बोलते हैं, ठीक है लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी की मम्मी होती है वो दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाती है, देखती है तो ईशानी बाहर नहीं होती, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी होती हैं। ईशानी की मम्मी जाती है उन लड़कियों के पास और बोलती हैं, क्या तुम लोग ने ईशानी को देखा है क्या? तो वो लड़के बोलते हैं, वो ग्राउंड में गई थी, शायद वहीं पे होगी। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है बोलती है, वहाँ से उनकी बात सुन के वो वहाँ से चली जाती है, और जाती हैं देखती है ग्राउंड में वो सामने एक जगह पे बैठी होती अपना सर पकड़ के। वो फिर ईशानी की मम्मी जाती है ईशानी के पास और उसके कंधे पे हाथ रखती हुई बोलती हैं, बेटा तू यहाँ पे। फिर जैसे ही हमारी ईशानी अपनी मम्मी की आवाज़ होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती, बोलती मम्मी 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 पापा ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला, मम्मी बोलो ना मम्मी पापा ने क्या बोला। वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है, बेटा डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ है, तेरे पापा मान गए। जैसे ही हमारी ईशानी ये सुनती है बोलती क्या मम्मी मम्मी सच में? फिर जो ईशानी की मम्मी होती बोलती है, हाँ मेरी बेटी सच में। वो ईशानी की बात सुन के बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाती है, और उस खुशी में वो एकदम से अपनी मम्मी को हग कर लेती है और बोलती है, थैंक यू सो मच मम्मी, आई लव यू सो मच। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, मम्मी थैंक यू सो मच। वैसे ही अपनी मम्मी को हग करती है, और उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है, हाँ मेरी बेटी आई लव यू टू। अभी जिसमें मेरी बेटी की खुशी होगी तो हम वही करेंगे ना, आज तक तेरी हर जिद पूरी की है और ये क्यों नहीं करेंगे, पर तेरे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। फिर जो ईशानी तो वो थोड़ा सा पीछे होती है बोलती है, मम्मी आई लव यू सो मच, मैं बहुत बहुत, मैं दुनिया की बहुत लकी गर्ल्स हूँ कि मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले। मुझे पता है आप नहीं पापा को मनाएंगे, थैंक यू सो मच मम्मी। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी की
चीक्स पे किस करती हूँ, आई लव यू सो मच मम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जो शानी होती है वो बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से प्यार करने लग जाती है, और उसकी जो मम्मी होती है बोलती है बेटा बस 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 अब चल, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। जैसे ही शानी ये बात होती बोलती सच में मम्मी, वो बोलती है हाँ बेटा चल। ऐसा बोल के जो शानी होती है वो बोलती मम्मी पापा से डर लग रहा है ना, क्या करूँ मम्मी। फिर उसकी जो मम्मी होती है बोलती है डोंट वरी बेटा कुछ नहीं होगा चल ना। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो उसको अपना उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेके चले जाते हैं। और ऐसे ही शानी की जो मम्मी होती है वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोलती है बेटा अभी तुमने अपने जब तक तूने बहुत अच्छा काम किया है, ये जस्ट तुमने अपने पापा का नाम रोशन किया ना इस वजह से ही मैं मान गई, अगर तू ऐसे फर्स्ट ना आती पोजीशन ना लेती बेटा मेरे हम तुम्हारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानते, क्योंकि तुम यहाँ पे भी आके पता नहीं वो तुम्हें क्या प्राइज में देगी ये तो पता नहीं, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत अच्छा प्राइज मिलने वाला है, बस बेटा तुमने हमारा नाम रोशन किया इस वजह से ही हमने तुम्हारा ये रिश्ता एक्सेप्ट किया, और हाँ तुमने अपने पापा का सपना पूरा करना है, तुमने डॉक्टर बनना है। फिर जो ईशानी होती बोलती है हाँ मम्मी क्यों नहीं मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगी, आई प्रॉमिस मम्मी मैं डॉक्टर बन के दिखाऊँगी आपको। फिर जो ईशानी और उसकी मम्मी होती वो दोनों ऐसे ही बातें करते करते जा रहे होते हैं, और फिर जाते हैं रूम में, फिर रूम में हमारी ईशानी और उसकी मम्मी जाते हैं तो जो ईशानी के पापा होते वो बेड पर बैठे होते हैं। ईशानी जैसे ही अपने पापा को देखती है वो ऐसे अपने पापा के पास जा रही होती है, उसके जो पापा होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और आते हैं हमारी ईशानी के पास और उसको कर लेते हैं हग, और ऐसे ही हग करते और बोलते बेटा मैं क्या करूं बेटा, मैं इस चीज़ को अभी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं बेटा, मेरा मन मेरा समीर गवारा नहीं कर रहा है, बट बच्चे मैं तुम्हारी खातिर मैं अपने मन को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट बेटा मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं बट मैं चाहता हूं अभी तुम पहले अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करो, उसके बाद ही तुम दोनों की मैं शादी कर दूंगा बेटा। जैसे ही हमारी शानी ये सुनती है तो वो शॉकआउट हो जाती है और अपने पापा की तरफ देखते बोलते पापा 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 सच में ना, यानी कि जो पापा होते हैं वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ बेटा सच बोल रहा हूँ बट तुझे पहले मेरा सपना पूरा करना है उसके बाद। ये सब बात सुन के जो हमारी जानी होती है वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई, बोलती है थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। फिर जिसके पापा होते हैं वो अपनी बेटी को हक कर लेते हैं, और जो उसकी वाइफ होती है बोलते हैं तुम लोग हक अब मुझे भी करना है। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी दूसरा बाजू भी खोल लेते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ आ जाओ। फिर ये तीनों ऐसे ही हक करके खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं जो हमारी जानी सॉरी प्रीता होती है वो ऑफिस में बैठ के काम कर रही होती है, वैसे ही काम कर रही होती है बेचारी, बहुत ज़्यादा सैड होती है वो। फिर से फ़ोन उठाती और बोलती है अभी लास्ट बार ट्राई करती हूँ क्या पता उठा ही ले, ऐसा बोल के जो प्रीता होती है वो करती है हमारी शानी को कॉल, और जैसे ही शानी का फ़ोन रिंग करते तो ईशानी थोड़े से पीछे होती बोलती है पापा मेरी कॉल। फिर जो ईशानी होती है वो जाती है फ़ोन उठाती है और देखती है तो प्रीता की कॉल होती है। फिर जो ईशानी के मम्मी पापा होते हैं वो ईशानी की तरफ देखते हैं बोलते हैं क्या हुआ बेटा कॉल उठाना किसकी कॉल है। फिर जो ईशानी होती है वो अपने फ़ोन को अपनी मम्मी पापा की तरफ दिखाती है बट उस पर मेरी जान लिखा होता है, वो दोनों नहीं समझ पाते बोलते क्या मेरी जान कौन है ये। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती मम्मी पापा वो प्रीता है। फिर जैसे ही शानी के मम्मी पापा ये बात सुनते हैं तो दोनों स्माइल करते बोलते हैं ठीक है बेटा तू बात कर ले, हम थोड़ा बाहर जाते हैं, हम तो बाहर तेरा कॉलेज वगैरह देखे और तेरी मैम से बात करके आते हैं। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी की मम्मी पापा होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, और जो ईशानी होती है वो तो बहुत 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 ज़्यादा खुश होती है, वो जैसे उसके मम्मी पापा बाहर जाते हैं वो एकदम से कॉल उठाते और कान के साथ लगाते बोलती जान 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 आई एम सो 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 हैप्पी। फिर जो प्रीता होती है बोलती क्या हो क्यों रे तुम इतनी खुश क्यों हो। फिर जो ईशानी होती है बोलती जान में बहुत बहुत बहुत
बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अगर मैं आपको बताऊँगी ना, आप भी मेरी तरह नाचने लग जाओगी। फिर जो ईशानी होती है वो प्रीता को ऐसे बोले, तो जो प्रीता होती बोलती क्या बात है बताओ ना मुझे, एक बोलो ना जान क्या हुआ है। फिर जो ईशानी होती बोलती ना ना इतनी जल्दी नहीं बताऊँगी, पहले आपको मेरी एक चैट कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी। और ये कुछ बहुत डबल है, बहुत ज़्यादा। आप जैसे ही ये बात सुनोगे ना, सच में आप बहुत ज़्यादा खुश होगी जान, आई मैं सच बोल रही हूँ। फिर जो हमारी प्रीता होती बोलती जान बोलो ना क्या बात है यार, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। फिर जो ईशानी होती बोलती है ना 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 अभी तो नहीं बताऊँगी, बट पहले आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, उसके बाद ही बताऊँगी। ये वो मैं क्या बोलूँ जान, बहुत कुछ एक ही बात है यार। फिर जो प्रीता थी बोलती जान प्लीज़ बताओ ना यार, क्यों ऐसे सता रही हो मुझे। फिर जो हमारी जानी होती बोलते ना 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 नहीं बताऊँगी, पहले आपको मेरी बात माननी होगी, उसके बाद मैं बताऊँगी। फ्रेंड देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमारी जो जानी होती वो प्रीता को इतनी जल्दी बताएगी कि नहीं बताएगी, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमकदार होने वाला है, देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन मुझे सपोर्ट करने के लिए।